कब्रिस्तान पहुंचा बिजली का बिल, क्या है पूरी खबर ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से पुख्ता प्रूफ के साथ जो है वो शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीडीडी विभाग की तरफ से जो एक बिल भेजा गया है उससे शुरुआत करते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो पूरी खबर शुरुआत से बता दें। सबसे पहले मैं आपको पीडीडी विभाग का वो है बिल बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बिल बता दूं कि क्या है पूरी खबर। तो ये आप बिल देख सकते हैं जहां पर आपको दिख रहा होगा कि कब्रिस्तान पहुंचा बिजली का बिल, ऐसा कैप्शन भी क्यों है और ऐसा मैं कह भी क्यों रही हूं। और ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप कस्टमर आईडी पे ध्यान मारें कि ये पूरा जो बिल है इस पे कस्टमर आईडी भी दी गई है, कंज्यूमर नेम है वो दिया गया है मोहम्मद आमीन, पेरेंटेज है मोहम्मद दीन, एड्रेस है कब्रिस्तान। सबसे पहले एड्रेस पर आए हैं और इसीलिए कैप्शन लिखा है कि कब्रिस्तान पहुंचा बिजली का बिल। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान लिखा है, ऐसा नहीं है कि कब्रिस्तान कोई लैंडमार्क हो सकता है लेकिन किसी का एड्रेस जो है वो कब्रिस्तान नहीं हो सकता। और ये डिवीजन है पुंछ, देखिए मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर लिखा है पुंछ। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पुंछ का ये बिल है और पुंछ में एक ही कब्रिस्तान नहीं हो सकता। हालांकि अगर हम कहें प्रिंट में गलती भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिनल हो सकता है, शायद ये फेक भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ये इतनी तेजी से वायरल हो रहा है ये बिल और लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं और पीडीडी विभाग जो है वो सुर्खियों में छाया रहता है। लोग ये कह रहे हैं कभी 3 लाख का बिल किसी को भेज देते हैं जिसके घर में एक पंखा चलता है, कभी किसी को कितना बिल भेज देते हैं 5 से 10 लाख का, और आज तो बिल सीधा जो है वो कब्रिस्तान जा पहुंचा है। और ये डिवीजन पुंछ से जो है एक बड़ी खबर आ रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग जो है वो पीडीडी विभाग का जो है वो मजाक भी उड़ा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो, क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, पर पीडीडी विभाग को जो है वो सामने आकर जो है वो क्लैरिफाई करना चाहिए। और हो सकता है कि ये बिल जो है वो सही हो बट इसके एड्रेस में जो है वो कोई गलती या कोताही हो गई हो, लेकिन पीडीडी विभाग को जो है वो सामने आना चाहिए और इसे जिस तरह से क्लैरिफाई करने की बात कहते हैं इसे जो है वो क्लैरिफाई करना चाहिए। और उसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी पीडीडी विभाग जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ है, आए दिन कोई ना कोई गलती जो है वो निकल कर सामने आती है और आज जो सीधा बिल है वो कब्रिस्तान ही जा पहुंचा है। कब्रिस्तान जो हम कह दें आपको कि लैंडमार्क जो है हो सकता है लेकिन उसके आसपास जो है वो कोई रहता होगा, उसके घर का एड्रेस या हाउस नंबर होगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधा एड्रेस में जो है वो कब्रिस्तान दे दिया गया है और डिवीजन जो है पुंछ है। क्या पुंछ में सिर्फ एक ही कब्रिस्तान है, यहाँ पर ये भी मेंशन नहीं किया गया है। कस्टमर आईडी दी गई है, कस्टमर नेम है मोहम्मद आमीन और एड्रेस जिस तरह से पेरेंटेज की बात करें तो मोहम्मद दीन जो है वो पेरेंटेज यहाँ पर दी गई है। और पीडीडी विभाग जो है वो लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है, उसका मजाक जो है लोग उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये बिल जो है बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और वायरल क्यों हो रहा है, लोग कहते हैं कि पीडीडी विभाग जो है आए दिन गलतियां करता ही रहता है और जिस तरह से अगर हम किसी के बिल की बात करते हैं उसमें अमाउंट जो है वो ज्यादा लिख दी जाती है और उसके बाद में अगर उसका घर देखे उसमें एक पंखा ही चलाया होता है। तो इसीलिए आज जो एड्रेस है इसकी वजह से ये सुर्खियों में छाया है। अब जिस तरह से आप सब लोग देख ही रहे हैं कि लोग ये भी लिख रहे हैं क्या कब्रिस्तान में बिल भेजा है, इसका मतलब जो है क्या वहां के मुर्दे जो है वो बिल पे करने के लिए जाएंगे। तो पीडीडी विभाग को सामने आकर जो है वो क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हो सकता है ये फेक बिल हो सकता है ये ओरिजिनल हो बट इसमें जो है वो गलती हो एड्रेस की, तो पीडीडी विभाग को जो है वो सामने आना चाहिए और इस खबर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर करें ताकि उन तक पहुंचे और इस खबर को जो है वो करेक्ट करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।